हिकिड़ो मोहतबर लीडर आहे, हिकिड़ी मोहतबर शख़्सियत जो औलाद आहे, उन जे हूंदे असांखे पाणी नथो मिले, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में अचे। असां चोरियूं पकड़ियूं आहिनि, नालियूं लॻियूं पियूं आहिनि, खुलियूं पियूं आहिनि, ॿ फुट मथे इहे कंहिं नूलियूं उन्हनि खे ॾिनियूं आहिनि, केरु पुछण वारो कोन्हे। चारों नहरों में पानी नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी जमीनें आप देख रहे हैं बंजर बन गई है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़े टीवी में खुश आमदीद। सिंध इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है और फसलों के लिए पानी नहीं है, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, जो मवेशी हैं वो जानदार हैं वो पीने के पानी के लिए परेशान हैं, वो प्यास से मर रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरान हों या सिंध के हुक्मरान, वो इस इशू को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं और जो पानी मौजूद है, जो दस्तयाब है, वो भी चंद मखसूस अशराफिया के हवाले है और उनकी ज़मीनें आबाद हैं, मगर जो गरीब काश्तकार हैं वो पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जा रही है, उसके साथ साथ सिंध भर में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो साहली पट्टी है और जो दो तीन अजला हैं जिसमें ठट्टा, सजावल और मदीन आ गए, वहाँ पर इंतहाई शदीद किल्लत है पानी की। ये एक तारीख रही है कि पंजाब हमेशा सिंध के पानी पर डाका डालता रहा है। मुख्तलिफ इदारे बेशक बने हुए हों, वो ऐसा की सूरत में हों या वो दूसरी सूरत में हों, मगर वहाँ पर भी पंजाब सूबे की डोमिनेंसी नज़र आती है, वो अपने मनमाने फैसले बनवाने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि बलूचिस्तान का नुमाइंदा भी इसा के अंदर पंजाब की हिमायत करते हुए नज़र आता है और ये सूरत हाल है। और सिंध हमेशा सरापा एहतजाज बनी है और सिंध के लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई है, कभी सिंध के पानी पर डाका डालने के लिए कालाबाग डैम बनाने की बातें होती है, कभी थल केनाल निकाले जाते हैं, कभी और केनाल निकाले जाते हैं और जो वहाँ पर गैराबाद ज़मीन है उसको आबाद किया जाता है। बदकिस्मती की बात है कि सिंध के हुक्मरान जो हैं सिंध का केस मजबूत तरीके से वफाक के अंदर रखने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इस हवाले से उन्होंने ये जहमत ही नहीं समझी है कि वो सिंध का केस लेकर अगर इरसा के अंदर मामला नहीं हल नहीं होते तो वो जो आइनी फोरम है मुश्तरका मफादत की कौंसिल में वहाँ पर केस लेकर जाए, मगर वहाँ पर भी नज़र ये आता है कि वहाँ पर केस नहीं रखा जाता गया है और इस वक्त भी इस मामले को इंतहाई गैर संजीदा लिया गया है और हमेशा इस तरह से नज़र आता है कि जो इरीगेशन का वज़ीर है वो रखने की जहमत तक नहीं करते हैं और अगर वज़ीर साहिबान अगर रखे भी गए हैं तो उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि इरीगेशन डिपार्टमेंट में अरबों रुपये की करप्शन किस तरह से की जा सकती है, इन मामलों पर नज़र तो रखी जाती है मगर बदकिस्मती से लोगों को पानी फराम करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए गए और इस वक्त भी ये सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ मोहतरम वज़ीर आला सिंध साहब का एक बयान सामने आया और उन्होंने नोटिस लिया कि जो सिंध के अंदर जो पानी की किल्लत है उन्होंने नोटिस लिया है और ख़ास तौर पर दरिया सिंध के राइट बैंक पर जो अज़ला आते हैं जो इलाके उनको पानी टेल तक फराम करने की हिदायत जारी की हैं उन्होंने, मगर बात यह है कि ये नोटिस तो लिया गया है और हिदायत भी जारी की गई हैं मगर उस पर अमल किस तरह से होगा। हमने जब नज़र डाली है कि वज़ीर आला सिंध साहब के हल्के के अवाम जो है काफ़ी अरसे से पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं, क्या वज़ीर आला साहब पूरे सिंध की बात तो हम या राइट और लेफ़्ट बैंक की तो बात दूर की, क्या वो ख़ुद अपने हल्के के अवाम को पानी फराहम करने में कामयाब हो गए हैं, क्या उनके जो अहकाम हैं उन पर अपने ही हलके के अफसरान ने अमल किया है कि नहीं किया है। ये ख़ुद जो वहाँ के PS80 के जो अवाम हैं, जो वज़ीर आला सिंध के हलके के अवाम हैं, जो जिन्होंने वोट देकर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को मुंतखब किया है, उनका क्या कहना है आप ख़ुद सुनिए। दायम ब्रांच नहर में पानी नहीं है,
और उसके साथ जो दादू ब्रांच है उसकी ये जो पुछड़ी का तेल का जो इलाका है उसमें से चार नहरें निकलती हैं, चारों नहरों में पानी नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो है हमारी ज़मीनें आप देख रहे हैं बंजर बन गई है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है और शदीद मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस है कोई पुरसहाल नहीं है। हम किससे मुतालबा करें? एक मोतबर लीडर आगड़ी मोतबर शख्स औलाद आ उन्हें जो होंगी असंगे पानी न तो मिले मुझे गाल समझ में नी अची मां चार पंज अग में अस आबाद घर पंज छह छेड़ू करे पांजे खर्च से मोरन के हेठों अस मिट्टी कढ़ाई अंदरों जहाँ क्रेन मिट्टी नी कढ़ी सके उत अस चोरी पकड़ियन नाली लगे पन खुल पन ब फुट मथे असो फोटेज ये कें नूलियो उन्होंने दिन्यून केर पुछनारो को साई के मुझे अर्दाज पानी भी दियो था पर असा के विरासत कर दियो चोरी जोरी या बंद कर। जी लोगों की बातें तो आपने सुनी और किस तरह से वो बता रहे हैं कि उनके साथ किस हद तक मसाइल हैं। ये सिर्फ सुरताल जो है ये सिर्फ हमने मिसाल के तौर पर ये सुरताल दिखाई इसलिए कि वज़ीर-ए-आला सिंध साहब ने अहकाम दिए थे, उन्होंने नोटिस लिया है तो उस नोटिस पर आप सिर्फ इस इन वीडियोस को या लोगों की बात सुनने के बाद आप तस्वर कर सकते हैं कि और सिंध के अंदर उनके अहकाम पर किस हद तक अमल किया गया होगा। वहाँ पर वानसिदाबाद में एक सहाफ़ी है, नौजवान सहाफ़ी हैं अब्दुल करीम जमाली, वो इस हवाले से इश्यूज़ को एड्रेस भी करते रहते हैं और वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अब्दुल करीम ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वज़ीर-ए-आला साहब के हलके के अंदर, क्या वहाँ पर जितनी नहरें हैं वहाँ पर कोई पानी पहुँच सका है? जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह सेमन शरीफ और गिरदनवा में काश्तकार पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, मुसलसल इत्तेजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। तहसील सेमन के चार नहरों में पानी की किल्लत बरकरार है। यहाँ के जो काश्तकारों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है हमारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं, लेकिन अब इस वक्त जो कंडीशन है इलाके में जानवर परिंदे प्यासे मर रहे हैं, इंसान भी प्यासे मरने लगे हैं। उनका यही कहना है कि फुल फोर तहसील सेमन की नहरों में पानी दिया जाए ताकि जो उनकी बंजर ज़मीनें आबाद हो सकें, जो आबादगार रहने वाले मकीनों को पानी मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम जमाली साहब, आपने हमें बताया। नौजवान सहाफ़ी हैं, बांसिदाबाद और सेवन में काम करते हैं और वहाँ पर सरजमीन पर ये खुद गए हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ख़ुद आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखी। और हम तो काफ़ी अरसे से इन इशूज़ को उजागर कर रहे हैं कि सेवन शरीफ हो या बांसिदाबाद हो, वहाँ के लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं है, वहाँ के काश्तकार जो हैं वो फसलें नहीं कर पाते हैं, लोग जो हैं वो भूख और अफलास का शिकार हैं और उनको रिलीफ देने वाला कोई नहीं है। और उनके हवाले से जो मुख्तलिफ पानी के मंसूबे शुरू किए गए उन पर भी अरबों रुपये खर्च किए गए हैं, मगर हकीकत ये है कि वहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। वो मंसूबे सिर्फ बराए नाम है, वो उन मंसूबों की रकम जो है वो जो मखसूस अफराद हैं उनके जेबों में ज़रूर गई है मगर अवाम तक ये चीज़ें नहीं पहुँची है। मंचर झील की हम बात करें, वहाँ पर आर ओ प्लांट्स लगे, अरबों रुपये खर्च हुए। बूबक जो शहर खुद है उसके गिरदोनवाह जो हैं वो वहाँ पर पानी जो है ज़ेर ज़मीन इतना कड़वा है कि लोग पी ही नहीं सकते हैं। और ये सूरत हाल है, इतनी गर्मी का मौसम है और वज़ीर-ए-आला साहब क्यों अपने हलके के मतलब पूरे सिंध के मसाइल हल करना तो दूर की बात है मगर पूरे अपने हलके के आवाम के मसाइल भी हल नहीं कर पाए हैं। और उनके मतलब नज़र ये आता है कि उनके दौरे इक्तदार में लोगों की तकालीफ बढ़ी हैं और नहीं लगता कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं जो मशीर हैं वो सलीम बाजारी हों या कोई और हों, जिस पर नेब के अंदर भी मुख्तलफ जो हैं तहकीकतें चल रही हैं अरबों रुपये की करप्शन के हवाले से, क्यों उनके अलावा भी कोई मशीन रख सकते हैं या लोगों से ख़ुद पूछ सकते हैं? अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो अवामी जमात है तो अवाम तक उनकी रसाई क्यों नहीं है? या अवाम को बुलाया जाता है तो उस तरह ईद मिलन पार्टी की तरह डंडे और जूते बरसाए जाते हैं अवाम पर, इस तरह नहीं होना चाहिए। लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। सिंध का केस ख़ास तौर पर, पूरे सिंध का केस, हमारा हल्का पूरा सिंध है, उनके केस को प्रॉपर फोरम्स पर लेकर जाना चाहिए और मौजूदा जो हुकूमत है उसको भी इन मामलात को देखना चाहिए
और हमने ये देखा है कि वफाकी हुकूमत के हवाले से जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर और कहा जाता है कि हम लाखों लोग जमा करेंगे। तो अगर इस तरह के मामलात होंगे अगर वाकई, तो फिर बिल्कुल ये हकीकत होगी कि ये महसूस होगा कि ये वाकई ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है और इसको नामंजूर के हवाले से जो नारे हैं वो दुरुस्त लग रहे हैं और ये ऐसा है कि आवाम के मसाइल उनकी तरजीह में नज़र नहीं आते। बहरहाल ये इश्यूज़ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हुक्मरान जो हैं होश के नाखुन लेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान ज़ाहिद को कर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।